नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर बीटीएस डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर पर खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग ईगो, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, मींस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आज हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर मीन्स ईगो की एक और कंडीशन उठाएंगे। वो कंडीशन है ईगो इन वाटर। कल हम लोगों ने एयर में जाना था और कितना निकाला था, 70 मीटर। फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो इसके पहले के वीडियो में मैंने दिया था। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से जानते होंगे। जो अभी नए नए यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख ले, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर से समझ में आ जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स ईगो किन कंडीशनों पर फॉलो करता है बच्चों? द फर्स्ट, द रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिकल्स, जो हमारी जो ऑब्स्टिकल्स है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है जिससे साउंड टकराएगी, शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। साउंड के वेव से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा है कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मच सफिशियंट, पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि आवाज पहुंचेगी तब तो आएगी लौट के, आपको धीरे से होगी या कैसे होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे लेकर उस कल की वीडियो में, वो आपको मैं बता रहा था। आज हम लोग जो नॉलेज लेंगे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडीशन टू हियर ईगो इन वाटर। एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट थी जो हम लोग मिस नहीं कर सकते इस पूरे होल चैप्टर में, कि द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग साउंड एंड ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड के बीच की डिफरेंस में जो है वो 0.1 ही का ही डिफरेंस हो। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड द डिफरेंसेस बिटवीन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड कितनी होनी चाहिए, 0.1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0.1 से ग्रेटर होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये 3 पॉइंट हम लोग इसके पहले के वीडियो में क्लियर और अच्छे से समझे थे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप जब तक उस वीडियो को अच्छे से नहीं वॉच करेंगे तब तक ये नहीं समझ में आने वाला। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन, जो कंडीशन क्लियरली कोई वॉटर था कि कितनी दूरी पर हम, ये वाटर का है, हम लोग एयर में पढ़े थे कि 70 मीटर की दूरी पर वो तीनों कंडीशन ईगो की क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। तो आज हम लोग वही चर्चा किस पर करेंगे, वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ओरिजिनल साउंड की सोर्स ऑफ साउंड, जो ओरिजिनल साउंड हमें देगा वो है सोर्स ऑफ साउंड, ये ऑब्स्टिकल्स है जिससे साउंड चकरा करके क्या करेंगे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दिस इज डी, उन दोनों के बीच की डिफरेंसेस कितनी है, डी है। टाइम तो हम पहले से ही एक परफेक्ट लेके चलते हैं, दैट इज टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। मिनिमम इतनी ही लेके चलते हैं, मैक्सिमम हो सकता है लेकिन मिनिमम ही इतनी ही लेके चलते हैं। तो टाइम 0.1 सेकेंड हमारे पास है, डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एक डी है, सोर्स ऑफ साउंड से कितनी रिफ्लेक्ट होकर के आई डी, तो डी प्लस डी
इक्वल टू 2 है, क्लियर। t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, d प्लस t मीन्स एक बार इधर गई तो एक बार रिफ्लेक्ट होकर के आई 2d। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ही मानी जाएगी, ये हो गई डिस्टेंस। ओके कॉपी के अब हमें पता है टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज दी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अब हमने डी निकाल ली, डिस्टेंस यहां कितनी है 2d, क्योंकि d प्लस d टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d, वेलोसिटी v आप सपोज कर लें, टाइम आपका तो t इज इक्वल टू 2d अपॉन v, एक रिलेशन आप पहले से जानते हैं। अब इसको वैल्यू हम रख करके देख लें, t हमें दिया है 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 2, v हमें निकालना है v, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन वाटर इज मीटर पर सेकेंड, 1440 मीटर पर सेकेंड। ओके 2d इज इक्वल टू 0.1 इक्वल टू 1440, 2d इज इक्वल टू 144 एंड d इज इक्वल टू 144 अपॉन 272, जो मिनिमम डिस्टेंस 0.1 सेकेंड की डिफरेंस पर लिया जा रहा है वो कितनी होगी वाटर में 72 मीटर, कितनी होगी 72 मीटर, इजिली हम लोगों ने निकाला, इसे कॉपी कर सकते हैं आप सब। फिर से एक बार देख ले हम क्या पढ़ रहे थे, कंडीशन टू हियर इको इन वाटर, क्या पढ़ रहे थे इको इन वाटर, एक हमारा साउंड सोर्स है, एक हमारा जो ओरिजिनल साउंड दे रही है साउंड सोर्स है, ये हमारा क्या है रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिकल्स है जहां से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, ओरिजिनल साउंड आएगी इको साउंड आएगी, दोनों के बीच की डिफरेंसेस जो मिनिमम डिफरेंसेस है 0.1 सेकंड ली गई है, एक बार डिस्टेंस d होगी एक बार डिस्टेंस d ऐसी होगी तो डिस्टेंस की कितनी होगी d प्लस d 2d, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हमें पता है तो 2d अपॉन v, इसे हम यहां पर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो जानते हैं निकाल के रख देंगे, दैट इज द फॉर्मूला, ऑन दिस फॉर्मूला वी पुट द वैल्यू 0.1 2d स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज 1440 मीटर पर सेकेंड, सो पुट हियर एंड सॉल्व दैट वी गेट 144 2d, 2d इज इक्वल टू 144 एंड d इज इक्वल टू 144 अपॉन 2 इज इक्वल टू 72 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसे चाहता हूं एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूं, इसको सॉल्व करने करते हैं हम लोग। एक हिल ए है, एक हिल बी, ये दोनों हिल पहाड़, ए मैन इज स्टैंडिंग हियर, एक आदमी यहां खड़ा है,
टू इको ऑफ गन फायरिंग। ये क्वेश्चन उसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूं। एक पहाड़ ए है, एक पहाड़ बी है, एक आदमी यहां पर दो ईको को सुनता है। एक की जो टाइमिंग है वो 2 सेकंड की है, एक की जो टाइमिंग है वो 3 सेकंड की है। निकालना हमने क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हिल। हमें इस से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द हिल ए एंड बी। What is given here? Here given that this person which are standing here, he एक बंदूक चलाई जाती है, जिसकी इको वो सुनता है, दो इको सुनता है, एक को वो 2 सेकंड पर सुनता है, एक को वो 3 सेकंड पर सुनता है। आपको बताना है कि what is the distance between them? हमारे पास है t is equal to 2d upon b। बच्चों ये पहले से आपको पता है। नाउ दिस इज कंडीशन फॉर द हिल ए। अगर हम ए की मान के चले, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 डीबी, दिस इज फॉर्मूला, ये हमें पता है। ये हम ए की मान के चले तो ए के लिए टाइमिंग टी कितनी दी गई है, 3। ओके, 2d अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एयर कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करें से 2d इज इक्वल टू 3 × 340 अपॉन ओके बी इज इक्वल टू 3 × 340 अपॉन 2। ओके, 2 × 2 × 2 × 14। ओके, नाउ द डिस्टेंस दिस पर्सन हु हियरिंग द इको विद द टाइमिंग 3 सेकेंड, द डिस्टेंस विल बी 510। 3 × 170, 510। दिस इज ओके। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम द हिल बी। ओके, टी सेकेंड पर हमें 510 मिला। अब इस पर देते हैं t इज इक्वल टू 2d अपॉन बी 0.1 दैट टाइमिंग सॉरी टाइमिंग विल बी नाउ 2s 2d वेलोसिटी विल बी 340 मीटर पर सेकेंड एज लाइक बिफोर 2d 2 × 340 d इज इक्वल टू 2 × 340 अपॉन 2। सो 2 कैंसिल, 340 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 340 मीटर। ओके, अब देखिए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस विल बी 510 प्लस
340 is equal to 850 meter. हमने इजिली इन दोनों पहाड़ों के बीच की डिस्टेंस क्या कर ली, निकाल ली. आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें.